हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम एलईडी डाउन लाइट कनेक्शन एंड फिटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है यह बिगिनर्स के लिए होने वाला है जो अभी न्यू इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क सीख रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट मॉडल की एलईडी डाउन लाइट्स अवेलेबल है जिसे फिट करने के लिए यहाँ पर पीछे इस तरह से लॉक दिया जाता है। बट यदि आप बिगिनर्स है तो इसमें आपको काफी ज्यादा डाउट होगा किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह डाउन लाइट को फिट किया जाएगा। तो हम हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से समझने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट मॉडल की एलईडी डाउन लाइट्स हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हम एलईडी डाउन लाइट्स के स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं, किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, फिर किस तरह प्रॉपर फिटिंग की जाएगी। हर एक स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एलईडी डाउन लाइट में आपको दो वायर दिए गए होते हैं, क्योंकि ये सिंगल फेज होती है, इसमें आपको फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। आप किसी भी वायर में फेज एंड किसी भी वायर में न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इनपुट वोल्टेज आप देख सकते हैं जो कि आपको एसी 180 to 265 वोल्ट कनेक्ट करना होता है 50 to 60 हर्ट्ज पर, और इसका आउटपुट आपको डीसी मिलता है जो कि 45 वोल्ट से लेकर 72 वोल्ट तक होता है। और यहाँ पर हम यदि दूसरे डाउन लाइट्स की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं सबकी वोल्टेज रेंज लगभग सेम होती है, किसी में भी कोई चेंज नहीं होता। ये हमारे पास डिफरेंट मॉडल एलईडी डाउन लाइट्स अवेलेबल है जो कि सिंगल फेज होने वाली है। इसमें भी जो इनपुट वोल्टेज है वह 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें हर एक एलईडी डाउन लाइट्स पर आपको इस तरह से वोल्टेज रेंज दी गई होती है। चलिए यहां पर अभी इसके कनेक्शन की बात की जाए तो कंसील्ड बॉक्स में इस तरह से आपको इसको फिट करना होता है, जो जहां पर आपको दो वायर आते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, जो फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है, आप दोनों वायर को किसी भी में डाउन लाइट में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने न्यूट्रल वायर को डाउन लाइट में यहां पर इस तरह से कनेक्ट कर लिया है, और आपको इसे अच्छे से टैपिंग जरूर कर लेना है। देखिए टैपिंग अच्छे से आपको कर लेना है, और यहां पर आपको इस तरह से फर्स्ट फेज का कनेक्शन कर देना है। आप किसी भी वायर को कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कनेक्शन इसका काफी सिंपल होता है। कंसील्ड बॉक्स में यदि दो से ज्यादा वायर आ रहे हैं, लूपिंग करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले लूपिंग कर ले। बट यहां पर हमारे पास सिंपल दो ही वायर आ रहे थे, इस तरह हमने कनेक्शन कर लिया है। इसकी फिटिंग की बात की जाए तो यहां पर देखिए इस तरह से इसमें पीछे लॉक दिए गए होते हैं, तो आपको लॉक को कुछ इस तरह से पकड़ना होता है। देखिए डाउन लाइट में इस तरह से पहले आपको लॉक दिया गया है, इसकी जो फिटिंग होती है कंसील्ड बॉक्स में। देखिए यहां पर इसे इस तरह से प्रॉपर फिट किया जाता है। देखिए पहले हम इसे नॉर्मल फिट कर देख लेते हैं, फिर इसे किस तरह रिप्लेस करना होगा, किस तरह निकाला जाए। देखिए इस तरह से आपको फिट कर लेना है। अभी देखिए इसको निकालना हो तो आपको इसको हल्का सा टर्न करके इसे निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे जो होल होता है जहां पाइप के लिए दिया गया होता है, नॉर्मली उसमें ये एलईडी डाउन लाइट फिट हो जाती है। यदि उसमें नहीं भी हो पा रही है किसी वजह से तो ये कंसील्ड बॉक्स में काफी आसानी से फिट हो जाती है। देखिए आपको इस तरह से इसे देखिए इस तरह से पकड़ना है लॉक को, और लॉक को अंदर ले जाकर हल्का सा घुमा देना है। देखिए इस तरह से ये आपकी एलईडी डाउन लाइट यहाँ पे काफी आसानी से टर्न करने से फिट हो गई है। इसे निकालना भी हो तो आप इसे हल्का सा घुमाकर काफी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फिर से समझने के लिए डाउन लाइट को हम पहले निकाल लेते हैं। इसके लॉक को कुछ इस तरह से हमें पकड़ना है। देखिए इस तरह से पकड़कर उसे काफी आसानी से अंदर कर देना है और हल्का सा टर्न कर देना है, काफी आसानी से आपकी डाउन लाइट। चलिए अब हम इसे एक बार ऑन ऑफ कर देख लेते हैं। देखिए डाउन लाइट हमारी फिट हो चुकी है, इसे आप देख सकते हैं इस तरह से इसे ऑन ऑफ किया जाता है। इसका स्विच भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ स्विच से हम इसे आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए ये एलईडी डाउन लाइट हमारे यहाँ से ऑन ऑफ हो रही है, तो इसका कनेक्शन काफी सिंपल होता है। बट यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपको इसमें कनेक्शन में और फिटिंग में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह डाउन लाइट कनेक्शन किया जाता है, किस तरह फिटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।